फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं ये न्यू कलर्स ख़रीद कर लाई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों को बताया जाए कि ये कलर्स कैसे हैं। देख सकते हैं, ये कैमल के आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल्स हैं जिसपे 20 शेड्स हैं, और जो इसका MRP है वो आप देख सकते हैं 230 रुपीज़ है। काफ़ी शेड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। करते हैं हम इसे ओपन और देखते हैं कि कैसे हैं हमारे ये कलर्स। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैंने काफ़ी सुना था इन कलर्स के बारे में, और काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि ये कलर्स मैं परचेज करूं। ओपन होने ही वाले हैं। पैकिंग तो गाइस काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं कि कितने ब्राइट शेड्स हैं। काफ़ी शेड देखिए, मैं आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ। देखिए कलर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, निकाल कर भी देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज से पहले ये कभी यूज़ नहीं किए, सो आज मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, इसे ट्राई करते हैं। देखिए मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ ये शेड्स। चलने में तो गाइस काफी स्मूथ है। देखिए काफी ब्राइट शेड भी है। अभी हम देखते हैं कि इसकी ब्लेंडिंग कैसी है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हैंड से ब्लेंड हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे ब्लेंड हो रहे हैं। मैंने काफ़ी सुना था कि इन शेड्स को ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो पा रहे हैं। आप लोग देखिए, अगर आपको थोड़ा शेड लाइट लगता है तो आप इसके ऊपर दोबारा भी कर सकते हैं ताकि और ब्राइट शेड आ जाए। देखिए अभी मैं आपको 2-3 शेड्स को मिक्स कर भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे हो जाता है ब्लेंड आपस में। अगर हम 2-3 शेड्स को इकट्ठा ब्लेंड करेंगे तो कैसा रहेगा। कलर्स चलने में भी काफी स्मूथ लग रहे हैं। अरे लाइट से डार्क की तरफ जाए ना कि डार्क से लाइट की तरफ, ठीक है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है। देखिए सो ओवरऑल मुझे तो कलर्स काफ़ी अच्छे लगे, बाकी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर कलर्स को परचेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।